फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक मर्जर या फिर बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। जो न्यूज जो मीटिंग होने वाली थी 22 अप्रैल को, उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कशन करने वाला हूँ कि उस मीटिंग में क्या निष्कर्ष निकला। सबसे पहले हम आपको बात करें, जो वो मीटिंग जो होने वाली थी, उस मीटिंग में बैंक प्राइवेटाइजेशन और बैंक मर्जर के बारे में डिस्कशन करने वाली थी, जो 22 तारीख को होने वाली थी। उसका मैं नोटिफिकेशन मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप देख सकते हैं कि वो फर्जी साइट था कि वो ओरिजिनल साइट था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उस मीटिंग के बारे में, जो 22 तारीख को जो होने वाला था, उस मीटिंग में क्या क्या कहा गया था कि क्या क्या उस मीटिंग में होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको नोटिस दिखा रहा हूँ, लोकसभा सेक्रेटेरिएट का जो है यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी, जो 22/4/2021 को होने वाली थी, 3 बजे से होने वाली थी। कमेटी रूम बी, पार्लियामेंट हाउस एनेक्स न्यू दिल्ली में होने वाली थी। ब्रीफली बाय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दोज कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, जो RBI है वो इस मीटिंग में रहती, नीति आयोग भी रहती इस मीटिंग में, और बहुत सारे अधिकारी जो रहते हैं फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के, वो भी यहाँ पर रहते हैं, और पार्लियामेंट में लोकसभा के भी जो हैं वो सब सारे मौजूद रहते इस मीटिंग में। वो सारे यहाँ पे डिस्कशन करते और एग्जामिनेशन ऑफ रेगुलर्स फ्रेम बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 19 ऑफ द बैंकिंग एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे बताया कि ये 4 जो बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज और बैंक ऑफ इंडिया, इस बैंक को या तो फिर प्राइवेट किया जाएगा या फिर मर्जर किया जाएगा। अगर 1917 एक्ट में चेंज कर दिया गया तब तो इसका प्राइवेट का जो रास्ता है सरकार का वो खुल जाएगा, क्योंकि अगर 1917 में भी चेंजिंग नहीं किया है, अगर नहीं हो पाएगा, अगर ये पार्लियामेंट से पास नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पर जो है प्राइवेटेड का रास्ता नहीं खुलेगा, फिर जो है यहाँ पर गवर्नमेंट मर्जर की तरफ जाएगी, जो मुझे लगता है मर्जर के ही तरफ जाएगी। लेकिन जो ये 22 तारीख जो मीटिंग होने वाला था, उस मीटिंग को यहाँ पर कैंसिल कर दिया गया COVID-19 के चलते, क्योंकि अभी भारत में COVID-19 का बहुत मारी चल रहा है और अधिक केस यहाँ पे बढ़ गए हैं, तो जिसके चलते इसे पोस्टपोन कर दिया गया। और अगला डेट ये कब है अभी कुछ नहीं पता है, क्योंकि न्यूज़ में भी नहीं आया है, मैं नोटिफिकेशन में भी सर्च कर लिया हूँ लेकिन यहाँ भी कहीं नहीं है। मुझे बहुत सारे मैसेज मिल रहे थे, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बनाया हूँ कि अभी ये मीटिंग जो है इसे कैंसिल कर दिया गया है, और लगभग आप मान कर चलिए 5 से 6 मंथ ये कैंसिल रहेगा, क्योंकि अभी जो है ये मीटिंग होने वाली है नहीं, क्योंकि अभी जो COVID-19 का है इसी का ही बहुत अभी प्रकोप चल रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दिया हूँ कि बैंकिंग मर्जर के ही तरफ सरकार जाए, क्योंकि 1970 एक्ट में तो बदलाव होने से रहा, क्योंकि ये पार्लियामेंट से इसे पास करना पड़ेगा और ये पार्लियामेंट से पास नहीं होगा। तो आशा करते हैं यहाँ पे मैं आपको कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ बैंक मर्जर और बैंक प्राइवेटाइजेशन के बारे में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो अपना एक छोटा सा प्यार दीजिएगा लाइक बटन को टिप के और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो एक नए टिप के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।